So now let's see, we got in an LCR, circuit. हमें कुछ खास बात यहाँ मिली थी कि LC सर्किट को दोबारा बना लेते हैं इन द फॉर्म ऑफ फेजर डायग्राम, VL माइनस VC, VR, I, दिस वॉज phi, but tan phi वॉज perpendicular VL माइनस VC अपॉन VR. वी कैन फर्दर सॉल्व इट एज XL माइनस XC अपॉन आर, क्योंकि आई कॉमन है, सीरीज में है. सर्किट डायग्राम बना लीजिए, सीरीज में है. ये लो भाई, बन गया सर्किट डायग्राम. नाउ सी द, इसमें एक खास बात है कि इफ फाई इज पॉजिटिव, तो हम बोल रहे थे कि जो सर्किट है वो फाई देखिए पॉजिटिव बनाया ना, क्योंकि वीएल बड़ा था. तो जो ओवरऑल सर्किट है अगर फाई पॉजिटिव है तो वो इंडक्टिवली डोमिनेटिंग हुआ. ये सर लोग, क्योंकि फाई जीरो का मतलब तो सिर्फ रजिस्टर होता है. तो फाई अगर पॉजिटिव है, आप देख सकते हैं एरो एंटी क्लॉकवाइज है, इट इज इंडक्टिवली डोमिनेटिंग, क्योंकि वीएल ज्यादा था. इंडक्टिवली डोमिनेटिंग, हम तुरंत बोल सकते हैं कि वीएल इज ग्रेटर देन वीसी. और अगर फाई नेगेटिव है तो ये हो जाएगा कैपेसिटिव डोमिनेटिंग, कैपेसिटिव डोमिनेटिंग सर्किट बन जाएगा ये. इसमें हम भी कह सकते हैं डायरेक्टली दैट वी लीड्स, एक और पता चलती आई, और यहां पर बोल सकते हैं आई लीड्स वी. पर एक खास बात है, फाई अगर जीरो हो गया तो क्या होगा? लेट्स सी, फाई जीरो होने पर क्या एक्चुअली होता है, यानी कि टेन फाई जीरो होगा, दैट मीन्स दिस हैज टू बी जीरो. एक्सएल माइनस एक्सी जीरो होगी, आर के इन्फिनिटी की बात नहीं चल रही यहां पे, जीरो न्यूमरेटर से होगा. ओके, दैट मीन्स एक्सएल इक्वल्स टू एक्सी, और एक्सएल का मतलब ओमेगा एल होता है और एक्सी ओमेगा सी होता है, तो ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू वन बाय एल सी, ओमेगा इज इक्वल्स टू वन बाय रूट एल सी. यानी कि देयर इज अ स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी वेयर फाई बिकम जीरो, टेन फाई बिकम जीरो, एंड व्हेन फाई बिकम जीरो, लेट मी टेल यू व्हाट हैपेंस. जी, आपका जो इंपीडेंस था ओवरऑल ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ अ टू करंट जेड इन एन एल सी आर सर्किट इज गिवेन एज जेड इक्वल्स टू एक्स एल माइनस एक्सी का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर. सो एट फाई इक्वल टू जीरो, दैट इज एट एक्स एल माइनस एक्सी इक्वल टू जीरो, जेड इक्वल्स टू आर. यानी कि ये फैक्टर हट गया और इम्पिटेंस केवल रेजिस्टेंस के बराबर हो गई. यानी कि ऑब्स्ट्रक्शन से अगर ये ऑफर कर रहा है, ये दोनों होते हुए भी ऑब्स्ट्रक्शन नहीं ऑफर कर रहे सर्किट को. अगर ये दोनों होते हुए भी सर्किट को ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर नहीं करेंगे तो ऑब्वियसली करंट मैक्सिमम हो जाएगा, मतलब करंट बढ़ जाएगा अपनी वैल्यू से. तो इस कंडीशन को जब ऐसा होता है, क्या बोलते हैं, लेट अस राइट, when frequency achieves a value, achieves a magnitude of omega equals to 1 by root LC, then the circuit is said to be in resonance and at this instant, या state को at this state, resonance की state पर क्या क्या होता है, हम बोल सकते हैं क्योंकि z जो है वो minimum हो जाता है, z minimum हो जाता है r के बराबर केवल, और xl and xc both cancel out their resistances, दूसरा क्या हो जाता है, आई बिकम्स करंट बिकम्स मैक्सिमम, क्योंकि हम जानते हैं कि करंट जो था वो वी नेट बाय जेड होता था. नॉर्मली हमारा वी नेट क्या है, जो भी है वी नेट तो सेम ही है, लेकिन वी नेट थोड़ा ना बदल रहा है, लेकिन आप देख सकते हैं कि जेड जो है वो कम हो गया है, वेरी रिड्यूस्ड, तो ऑब्वियसली करंट बिकम्स हाई. नौ थर्ड चीज हम ये कह सकते हैं कि
आई बिकम्स मैक्सिमम, वी कैन ऑल्सो से दैट वो भी पावर जुड़ा हुआ है करंट के साथ, पावर बिकम्स मैक्सिमम, है ना, बिकम्स मैक्सिमम। फिर एक और चीज़ बोल सकते हैं हम कि टेन फाइव इज इक्वल टू जीरो, ये एक और बोल सकते हैं फेज डिफरेंस जीरो। ऐसे हम अलग अलग तरीके से, दो और तरीके बाद में दिखाएंगे आपको, लेकिन सात तरीकों से रेजोनेंस की स्टेट को पहचानना चाहिए सवालों में। अगर बोला जाए द सर्किट रेजिस्टेंस या एडमिटेंस बिकम्स मिनिमम, समझ जाइए रेजोनेंस का केस है। अगर बोले द करंट बिकम्स मैक्सिमम, समझ जाइए रेजोनेंस का केस है। अगर बोले पावर बिकम्स मैक्सिमम, समझ जाइए रेजोनेंस का केस है। अगर बोले 5-0, 10-5-0, फलाना ढिकाना, दो और अभी आएंगे नहीं क्योंकि टॉपिक नहीं आया है, इसलिए दो और लिख नहीं रहा हूँ, इतने से काम चलाइए। तो जब कोई सवाल पढ़ेंगे, जब कुछ भी थ्योरी पढ़ेंगे, कोई कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पढ़ेंगे, अगर इन पाँच में से कुछ भी लिखा होगा तो आप तुरंत समझ जाएंगे रेजोनेंस की बात की जा रही है और रेजोनेंस के अकॉर्डिंग सवाल को सॉल्व किया जाएगा। तो रेजोनेंस एक वो केस है जहां पर करंट सर्किट में मैक्सिमम हो जाता है, इंपीडेंस सर्किट की मिनिमम हो जाती है, इवन दो सर्किट में तीनों एलिमेंट्स लगे हुए हैं ना। दूसरी बात ये है कि अगर आप देखें कि अगर हम नोटिस करें, अगले पेज पे लिख लेते हैं क्योंकि नोट्स आपके डिस्टर्ब हो जाएंगे। हम देख सकते हैं कि जेड इक्वल्स टू क्या है, एक्सएल माइनस एक्ससी का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर, किसमें, इन एलसीआर सर्किट। आप देखिए अगर इसमें से एक्सएल या एक्सी में से कुछ भी एक गायब हो जाए तो जेड नॉर्मली क्या होता है, या तो होता है एक्सएल का स्क्वायर और या होगा एक्सी का स्क्वायर, है ना। किसी भी कीमत पे आप इसको जीरो नहीं कर पाएंगे क्योंकि एक्सएल एक्सी तो अलग अलग तो कभी जीरो नहीं हो सकता आपस में। हाँ ये हो सकता है कि दोनों एक दूसरे को ऐड करके एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे जीरो हो जाए। इससे सामने साथ है कि रेजोनेंस जो है, रेजोनेंस इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ओनली एन एलसीआर सर्किट। एलसीआर सर्किट रेजोनेंस का सीआर एलआर, ओनली एल, ओनली सी, ओनली आर, इन किसी पांचों कॉम्बिनेशन से कोई ताल्लुक नहीं है। रेजोनेंस केवल और केवल एलसीआर सर्किट की जागीर है, आपको ये केवल एलसीआर सर्किट में मिलेगी।